थर्ड ईयर स्टूडेंट्स क्लास 11th स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में अभी तक हमारा हो चुका था मॉलिक्यूलर स्पीड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके पोस्टुलेट्स, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, न्यूमेरिकल इस पे मैंने नहीं करवाया जो आज के इस लेक्चर में मैं करवा रहा हूँ। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूलर गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि स्पीड्स जो होती हैं वो तीन टाइप से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स की सेम स्पीड नहीं होती है। तो जब तीन टाइप से हम डिवाइड करते हैं तो एक तो हम एवरेज स्पीड ले लेते हैं, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ले लेते हैं और तीसरी है आरएमएस स्पीड। तीनों की वैल्यूज मैंने बता दी थी क्या क्या होती है, तीनों में रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं उसी को एक बार फिर रिपीट। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग सपोज करो कि 100 मॉलिक्यूल्स का एक सैंपल है गैस का, जिसमें 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड, 20 ऐसे हैं जिनकी 20 मीटर पर सेकेंड है, 40 ऐसे हैं जिनकी 35 मीटर पर सेकेंड है, 20 ऐसे हैं जिनकी 40 मीटर पर सेकेंड है, 80 एंड 10 ऐसे हैं जिनकी 45 मीटर पर सेकेंड है, और 5 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, 100 हो गए हैं, 5 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान ये बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की सभी की स्पीड सेम नहीं होती, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम हो सकती है। टेम्परेचर सभी का सेम है क्योंकि एक कंटेनर में रखे हुए हैं, फिर भी उनकी स्पीड्स में डिफरेंस होता है क्योंकि वो आपस में कोलाइड होते हैं और अपनी वेलोसिटी को ट्रांसफर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, मोमेंटम को आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर इन्होंने बताया कि जब सबसे कम जो स्पीड होती है वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स की होती है, सबसे ज्यादा जो स्पीड एक्सप्रेस की जाती है वो भी बहुत कम मॉलिक्यूल की होती है, मॉडरेट स्पीड ज्यादातर मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करते हैं। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, विच इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कौन सी स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल, जिसको हम सी स्टार से इग्नोर कर रहे हैं या फिर यू स्टार से इग्नोर कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, यानी कि किसी भी सैंपल के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, विच इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एवरेज स्पीड से कम होती है और एवरेज स्पीड आरएमएस स्पीड से कम होती है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में, डेल्टा एन डिवाइड बाय एन, वेयर एन इज टोटल मॉलिक्यूल्स और डेल्टा एन वो मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहां पे हमने लिया है मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ग्राफ इस टाइप से आएगा, वही जो मैंने अभी बता दिया उसी टाइप का ग्राफ होगा, इस टाइप का एक ग्राफ होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इट इज आइसोथर्म, जो ग्राफ है वो आइसोथर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया है, इट इज ऑल्सो आइसोबार, कांस्टेंट प्रेशर पे भी लिया गया ग्राफ है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो बहुत कम फ्रैक्शन ऐसा होता है जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्पीड एक्सप्रेस कर रहा है वो यहाँ पे हो पा रही है इस फ्रैक्शन से, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड, ये वाली जो स्पीड आ रही है विच इज सी स्टार, विच इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कौन सी स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेते हैं या फिर नाइट्रोजन गैस लेते हैं, डिफरेंट टाइप की गैस लेते हैं और सेम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनके मास अलग अलग होंगे जबकि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ऐसा मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो उनके लिए ग्राफ अलग अलग होंगे और उनके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो भी बदल जाएगी। यानी कि अगर इसी ग्राफ को हम इस टाइप से दो डिफरेंट गैसेस के लिए लें, एक तो हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डेल्टा एन डिवाइड बाय एन और एक स्पीड यहाँ पे यूज किया है, एक गैस के लिए लिया हमने क्लोरीन के लिए और एक गैस के लिए नाइट्रोजन के लिए, तो एक गैस के लिए तो ग्राफ आ रहा है इस टाइप का और दूसरी गैस के लिए सपोज करो ग्राफ आ रहा है इस टाइप का।
ये है क्लोरीन के लिए 300 केल्विन पे और यह नाइट्रोजन के लिए 300 केल्विन पे। यानी क्लोरीन और नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं तो दोनों के मोलर मास अलग अलग होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों में सेम रहेगी, लेकिन इसका जो वी आर एम एस है या फिर सी स्टार है वो ये है, ये स्पीड है, और इसका जो सी स्टार है वो ये स्पीड है। दोनों के सी स्टार डिफरेंट रहेंगे और सी स्टार का मैंने आपको रिलेशन बता दिया है कि सी स्टार इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RT/m। यानी कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका सी स्टार कम होगा। यानी कि मोलर मास क्लोरीन का जो होता है वो कितना है 71 और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 28। मोलर मास ज्यादा है क्लोरीन का तो उसकी स्पीड जो सी आर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कम है, और जिसका 28 है जिसका कम मोलर मास है उसकी स्पीड ज्यादा है। यानी कि इसकी सी स्टार ये है और इसकी सी स्टार ये है। सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइप के ऑफ गैसेस हैं, उनकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, लेकिन सेम टेम्परेचर पे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू हिम। और ये रिलेशन भी मैं आपको बता चुका हूं कि सी स्टार की जो वैल्यू होती है वो कम होती है सी बार से, सी बार की वैल्यू कम होती है सी आर एम एस से। इट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इट इज एवरेज वेलोसिटी एंड इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तीनों में रिलेशन में मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर एक ही टेम्परेचर पे हम तीनों के लिए देखते हैं ग्राफ नोट करते हैं तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। यहां पे ले रहा हूं मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेल्टा एन डिवाइड बाय एन, और यहां पे मैंने ले ली वेलोसिटी और स्पीड। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिया मीन्स आइसोथर्म यूज किया हमने, यहां पे भी आइसोथर्मल ग्राफ था क्योंकि दोनों का टेम्परेचर हमने सेम यूज किए हैं। तो उस टाइम ग्राफ इस टाइप से आएगा, ये जो ग्राफ आ रहा है इसमें हम बता सकते हैं कि यहां पे जो स्पीड शो हो रही है ये विच इज सी स्टार मोस्ट प्रोबेबल, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी वो सी एवरेज होगी। यहां पे जो स्पीड होगी वो सी एवरेज होगी और इससे भी थोड़ी सी ज्यादा होगी वो सी आर एम एस होगी। मीन्स ये जो स्पीड एक्सप्रेस हो रही है विच इज मोस्ट प्रोबेबल, एमपी से नोट कर रहा हूं, ये एवरेज स्पीड है और ये आर एम एस स्पीड है। आर एम एस स्पीड हमेशा ही ज्यादा होती है एवरेज स्पीड से, एवरेज स्पीड ज्यादा होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से किसी सैंपल में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं किसी सैंपल का तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। यहां पर लिया मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा फ्रैक्शन लिया है डेल्टा एन डिवाइड बाय एन, और यहां पे मैंने स्पीड यूज किया है। सपोज करो कि कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे किसी गैस के लिए ग्राफ इस टाइप का आ रहा है, कौन सा टेम्परेचर लिया आपने टी वन पे। अगर इस गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा के टी टू कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा इस टाइप से, कौन से टेम्परेचर पे टी टू पे। अगर टेम्परेचर हम और राइज कर देते हैं तो ग्राफ और भी फ्लैट होता चला जाएगा इस टाइप से टी थ्री पे। यहां पे हमने कंडीशन लगाई टी थ्री इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये थी टी वन टेम्परेचर पे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी ये सी स्टार वन, टी टू टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी ये सी स्टार टू, टी थ्री टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी ये सी स्टार थ्री। यानी सी स्टार थ्री ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटीज बढ़ती है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये इसकी सी स्टार थी तो यहां पे इसकी सी बार होगी, यहां पे इसकी सी आर एम एस होगी। उसी टाइप से यहां पे इसकी सी बार होगी, यहां पे सी आर एम एस होगी, यहां पे सी बार होगी और यहां पे सी आर एम एस होगी। यानी कि सभी स्पीड्स टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन अगर हम किसी गैस के सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड्स बढ़ती चली जाती हैं, और बढ़ती चली जाती है। अगर टेम्परेचर की कंडीशन बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो ग्राफ फ्लैट होता चला जाएगा और फाइनली एक लाइन बन जाएगी। एक लाइन बनने का मतलब है कि सभी मॉलिक्यूल्स का लगभग सेम स्पीड हो चुकी होती है,
सभी मॉलिक्यूल्स की लगभग क्या हो चुकी होती है, सेम स्पीड। तो ग्राफ का फ्लैट होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो लगभग सेम होती चली जाती है। सेम होने का मतलब कुछ की कम थी कुछ की ज्यादा थी, जिनकी ज्यादा थी उनकी थोड़ी कम हो जाती है, जिनकी कम थी उनकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मॉडरेट स्पीड सभी की हो चुकी होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ फ्लैट होगा। उसके साथ साथ अगर हम ग्राफ का अंडर कर्व एरिया देखते हैं, इस ग्राफ का अंडर कर्व एरिया ये है, इस ग्राफ का अंडर कर्व एरिया ये है, इसका इधर से कम हो गया इधर बढ़ गया, उसी टाइप से इसका इधर से कम हो गया इधर बढ़ चुका, यानी अंडर कर्व एरिया कॉन्स्टेंट रहता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो इसके एजम्पशंस क्या है, नंबर फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड ऑफ गैसेस सैंपल देन ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटीज सी स्टार सी बार एंड सी इंक्रीज्ड बढ़ती है। सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज्ड, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी क्योंकि स्पीड्स बढ़ती जा रही है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड इज ग्राफ विल बी फ्लैट ग्राफ फ्लैट होता चला जाएगा होगा एंड अंडर कर्व एरिया ऑफ ग्राफ इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड्स बढ़ती चली जा रही हैं और सभी मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। एट हायर टेम्परेचर ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग अप्रोक्स सेम स्पीड इसके कंक्लूजन है कि स्टेप्स हम टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे देख सकते हैं। और हम इससे बता सकते हैं कि स्पीड तो बढ़ती जा रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्व कैसा हो रहा है, फ्लैट होता चला जा रहा है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो कम होता जा रहा है, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल with most probable velocity decreased curve shift toward right and eighth पे हम बता सकते हैं कि जिनकी जो फ्रैक्शन ऐसा था जिनकी हायर स्पीड थी वो इंक्रीज हो जाएगा और जिनकी लो स्पीड थी वो डिक्रीज हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद हायर स्पीड इंक्रीज्ड एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल with higher speed decreased। ये सब conclusion हम इससे बता सकते हैं, temperature बढ़ाने पे ये effect होगा। अब हमको discuss करते हैं कि numericals का, इनके अंदर numericals किस type से पूछे जाते हैं। ये Maxwell distribution velocity curve था, आपसे पूछ ले गया calculate the kinetic energy of one mole of methane at 273 Kelvin at 27 degree centigrade। 27 degree centigrade पे आपको एक मोल मीथेन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है एंड ऑल्सो कैलकुलेट
मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप देख लोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बता रखी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 3/2 RT के इक्वल होती है। ये आपको बता रखा मैंने किसी भी गैस के लिए, एक मोल के लिए, फॉर वन मोल, एक मोल गैस के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 3/2 × R की वैल्यू होती है 8.314 होती है, लेकिन यहाँ पे हम 25/3 यूज कर सकते हैं, 25/3 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। एंड टेम्परेचर आपके पास है यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 300 केल्विन, यानी कि जो आर की वैल्यू थी 8.314 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स, उसकी जगह तो मैंने रख दिया 25/3 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स एप्रोक्स आंसर लाने के लिए। और टेम्परेचर जो था वो था 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 विच इज 300 केल्विन, इसको मैंने 300 केल्विन कर दिया। तो केल्विन से तो ये केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 100 काट दिया मैंने, 300 काट दिया, 100 बचा। काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई, इसको 50 से कट कट कर दिया मैंने, 75 × 50 जूल मोल इनवर्स जूल पर मोल, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, देन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 3750 जूल पर मोल, यानी कि 3.75 किलो जूल पर मोल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है आपके पास। किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, 1 किलो इज 1000, 1 किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है, 3750 था जिसको 3.75 किलो जूल पर मोल में पुट कर दिया। ये तो थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हम इसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ रही है किसी टेम्परेचर पे, तो बता रखा आपको काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 mu² और u यहां पे क्या है, RMS वेलोसिटी है, u क्या है यहां पे, RMS वेलोसिटी है, n क्या है, मास है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2, जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3750 जूल पर मोल, और जूल को मैंने पुट कर दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, जूल की वैल्यू है ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, एंड पर मोल मोल इनवर्स, 1 जूल विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स होता है 1 जूल के इक्वल। तो जूल की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इसको मिटा रहा हूं इधर से, यहाँ पे आपके पास 3750 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/2 × मास, 1 मोल मीथेन का मास, मोलर मास ऑफ मीथेन विच इज 16 ग्राम होता है, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 16 × 10⁻³ किलोग्राम, देन विच इज इक्वल टू 16 × 10⁻³ किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय यू, यू स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट मैं इसको इस टाइप से पुट कर सकता था कि यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 × काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम, यू इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये 2 आ जाता है यहाँ पे और डिवाइड बाय एम आ जाता है, रूट आ जाता है, तो इसको इस टाइप से पुट कर सकते थे, देन रूट ऑफ 2 × 3750 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू डिवाइडेड बाय, पर मोल भी था ये मोल इनवर्स, डिवाइड बाय मोलर मास आपके पास 16 × 10⁻³ किलोग्राम मोल इनवर्स, ये मोलर मास हो गया। अब क्या क्या कैंसिल होगा, इसमें यूनिट्स कैंसिल कर लेता हूं मैं, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा,
मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, ये इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 स्क्वायर माइनस 3 है नीचे तो ऊपर जाके 10 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, देन u व्हिच इज इक्वल टू रूट ऑफ 3750 इनटू 10 स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 8 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। टेन इसको कट करेंगे तो मैं यहाँ पे जीरो को इधर ले जा रहा हूँ एंड यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 375 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, 8 को भी ओपन कर दिया मैंने एंड बाहर निकाल लिया मीटर पर सेकंड को, टू से बाहर निकाल लिया, देन ये आ जाएगा 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, 10 पावर 4 को बाहर निकालेंगे 100 आ जाएगा, देन यू विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 375 डिवाइड बाय 2, इसका आधा कर लेंगे देन ये आ जाएगा 50 इंटू 185 या 87 कर दिया मैंने, रूट ऑफ 187.5, रूट ऑफ 187.5 अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा 37.5, 50 इंटू 13.7 इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू 685 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी जो आरएमएस वेलोसिटी थी वो ये थी 685 मीटर पर सेकेंड। तो इसके साथ साथ उसकी हम एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट पावर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आरएमएस आ गई, दोनों के बीच में मैंने रिलेशन बता रखा आपको कि जो एवरेज वेलोसिटी और या फिर आरएमएस वेलोसिटी होती है वो 0.814 मल्टीप्लाई बाय आरएमएस, मोस्ट पावर वेलोसिटी जो होती है वो 0.814 मल्टीप्लाई बाय आरएमएस, आरएमएस को यहां पुट करके हम उसकी सी स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं, सी बार विच इज 0.921 इंटू आरएमएस, आरएमएस वेलोसिटी से हम उसकी एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइप से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन गिवन है कि एक गैस इज फाउंड टू पोसेस आरएमएस वेलोसिटी इज 5.16 इंटू 10 रेस पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5.16 इंटू 10 रेस पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, मीन्स हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास, वेलोसिटी ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ गैस एट 0.5 एटमोस्फेरिक प्रेशर, सेकंड में ये करना है, थर्ड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी पे कितने ml मोल गैस प्रेजेंट है, तो नंबर फर्स्ट पे हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं, आपको गिवन क्या है नंबर फर्स्ट पे URMS गिवन है, RMS वेलोसिटी व्हिच इज 5.16 इनटू 10 रेस पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ध्यान देना ये CGS में गिवन है, टेम्परेचर गिवन है विच इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर भी गिवन आपको, एम कैलकुलेट करना है यू आर एम एस विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाई एम, बता रखा है आर की वैल्यू होती है सीजीएस में ही पुट करेंगे, सीजीएस में 8.314 इंटू 10 रेस पावर 7 आर मोल इनवर्स कैलिन इनवर्स होती है, ये वैल्यू मैं बता चुका हूं आपको, इन सबको पुट कर देंगे तो एम किसके इक्वल आ जाएगा, यू आर एम एस इज 5.16 या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एम को, एम विच इज इक्वल टू 3RT डिवाइड बाय यू आर एम एस स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ जाएगा, देन विच इज इक्वल टू 3 इंटू 8.314 इंटू 10 रेस पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 300, यूनिट्स आपस में कट जाएंगी, डिवाइडेड बाय URMS है 5.16 इंटू 10 रेस पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी हमने CGS में पुट किया है इसलिए यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इनको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल देंगे, m इज इक्वल टू 28.10, ये इसका मोलर मास आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, तो पहला तो हम मॉलिक्यूलर वेट को इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, दूसरा है कि वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ गैस एट 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 10 ग्राम गैस का वॉल्यूम क्या होगा वो कैलकुलेट करने में, सेकंड आपके पास वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है मोल्स जो गैस के हैं, n नंबर ऑफ मोल्स वो आपको गिवन है कि 10 ग्राम गैस है आपके पास, गिवन मास 10 ग्राम अपॉन मोलर मास हमने निकाल दिया 28.1,
ये उसका मोलर मास था, नंबर मोल्स हो गए। प्रेशर आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 0.5 एटमोस्फियर, आर की वैल्यू हम जानते ही हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पुट कर लेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, देन वी इज इक्वल टू एनआरटी डिवाइड बाय पी, नंबर ऑफ मोल्स इज 10/28.1, आर इज R की वैल्यू, प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर में गिवन है, R हम लीटर, वॉल्यूम हम लीटर में निकाल रहे हैं, R की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में गिवन है और ये हमें लीटर में कैलकुलेट करना है, इनटू T, टेम्परेचर वही गिवन 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, टेम्परेचर यहाँ गिवन है 300 केल्विन, डिवाइड बाय प्रेशर गिवन आपके पास 0.5 एटमॉस्फेयर, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.54 लीटर, ये वैल्यू जाएगी, यानी वॉल्यूम उस गैस का 10 ग्राम गैस का वॉल्यूम 0.5 एटमॉस्फेयर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम 17.54 लीटर होगा। अब थर्ड है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ गैस एट STP, तो 10 ml गैस है आपके पास STP पे, तो उस कंडीशन में पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकल जाएंगे तो एवोगाड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं, तो मोल्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। प्रेशर एसटीपी पे स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन, टेम्परेचर आर की वैल्यू हम जानते ही हैं, देन एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी विच इज इक्वल टू प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपको गिवन है 10 ml, वॉल्यूम इज 10 ml मीन्स 10/1000 लीटर, मिलीलीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी 1/100 लीटर वॉल्यूम आ गया, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हो गई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में, मल्टीप्लाई टेम्परेचर आपको गिवन है 300, देन नंबर ऑफ मोल्स 4.46 × 10⁻⁴, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4.46 × 10⁻⁴, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, मोल्स आपके पास है 4.46 × 10⁻⁴, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻², देन ये अगर 24 एक और बढ़ जाएगा घट जाएगा, देन ये आ जाएगा लगभग 2.8 × 10⁻², इतने मॉलिक्यूल्स उसके कितने ग्राम में होंगे, 10 ml के अंदर उसके ऐसे इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट टेस्ट, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें गिवन है वो मोलर मास गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है, ये ग्राम में यूज किया मैंने। दूसरा आपको गिवन है टेम्परेचर 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 300 केल्विन, हमें बस दो ही चीज चाहिए, आर की वैल्यू हम जानते ही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो किसके इक्वल होती है, U star या फिर C star, इसे इग्नोर करते हैं, या फिर UMP लिख देता हूं मैं इसके नीचे, बात वही है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RT/M, एवरेज स्पीड U एवरेज या AV लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 8RT/πm, एंड RMS स्पीड U, which is equal to root of 3RT/m, इनके सबके इक्वल होते हैं, तो इन तीनों फॉर्मूलाज को हम यहाँ यूज कर लेंगे, तो आपके पास U मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा, वो रूट 2 × R, 2 × 8.314, R की वैल्यू है जूल, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स,
मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर टी 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, तो किलोग्राम में लिखेंगे इसको तो क्या जाएगा, क्योंकि ऐसा ही यूनिट में यूज किया हमने, 0.032 किलोग्राम पर मोल। इसी टाइप से यू एवरेज, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी रूट ऑफ 8 × 8.314 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स इंटू टेम्परेचर है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास वही है, पाई की वैल्यू है 3.14, पाई आता है इसमें तो इसकी वैल्यू लिख ली मैंने 3.14 मल्टीप्लाई मोलर मास से 0.032 किलोग्राम पर मोल। इसी टाइप से यू एक्चुअल कैलकुलेशन यही होगी, यू आर एम एस अगर आपको निकालना है तो विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 RT/m 3 × 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 300 केल्विन डिवाइडेड बाय एम 0.032 किलोग्राम मोल इनवर्स पर मोल। इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन से इनकी जो वैल्यूज आती हैं, ये वैल्यू आती है 394.8 मीटर पर सेकेंड SI के अंदर, ये आती है 445.6 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वैल्यू आती है सबसे ज्यादा होती है विच इज 483.6 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से इनकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कर लेते हैं, और इनमें रिलेशन आपको बता रखा है कि ये वैल्यू इससे 0.814 times है, ये वैल्यू इससे 0.921 times है। तो इस टाइप से इनकी कैलकुलेशन करते हैं, यूनिट सेम रखेंगे इनमें, इसको एक बार फिर रिपीट कर लेना, देख लेना, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।